अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल। ये तो आपको भी है मालूम, लेकिन जब उनके बच्चों की होती है बातें, फैमिली की होती है बातें, तो काजोल काफी अलग रिएक्शन देती हैं। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति काजोल के रिएक्शन से आपको रूबरू कराऊंगी, उनके एक्शन और उनके वर्ड्स आपको सुनाऊंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर कई राज खोले, अपने पति को लेकर और अपनी ही गलतियां और अपने गड़बड़ी के बारे में काजोल ने बात की। कैसा है उनके बच्चों का बिहेवियर अपनी मामा के साथ अपने घर पर, कैसे उनके बच्चे उन्हें ही सीख सिखाते हैं, कैसे उन्हें न्यू वर्ड सिखाते हैं, इन सब पर बात करते हुए काजोल ने नए सीख दिए हैं और अपने फैंस को संदेश। तो आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल ने खुद ही अपने घर के कई राज खोले हैं। बच्चों के सामने काजोल का व्यवहार और बच्चों का काजोल के साथ व्यवहार, जब काजोल अनजान होती हैं कुछ बातों से तो कैसा होता है, ये भी काजोल ने बताया। तो उसी के साथ काजोल ने जानकारी दी, उनके हस्बैंड साफ सफाई के मामले में उनसे तो कई ज्यादा बेहतर है। वहीं काजोल माफी मांगने में कभी भी पीछे नहीं रहती, क्योंकि वो गड़बड़ तो बचपन से ही थी। ये सारे राज खुले हैं, ये यकीन नहीं करेंगे आप, तो देखिए इस वीडियो में, सुनिए क्या कहना है काजोल का। हेलो काजोल, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ सीखने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों से क्या सीख रही हैं अभी? मैं अभी नहीं, मैं मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उनसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते आ रही हूँ। काफ़ी कुछ सीखा है मैंने मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे बच्चे हैं। ज़रूर मैं रोज़ कुछ ना कुछ उनसे नया कुछ सीखती हूँ। कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, तो नहीं, मुझे बहुत आराम से पेशेंस के साथ समझाते हैं कि मम्मा इट्स एक्चुअली दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। कभी उनकी आदतें होती हैं और मैं कभी कभी उनका नज़रिया होता है, तो आई थिंक मैं अपने बच्चों से काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये सीखी है, आई हैव लर्न्ड पेशेंस। उनकी कोई याद जब आपने कुछ? मैं बिल्कुल स्काउट नहीं थी, मुझे लगता है कि मैं आई डोंट नो वेदर आई वाज सच अ गुड चाइल्ड। मैं इतनी मतलब ईमानदार, थोड़ा सा गड़बड़ थी उस डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं बचपन में बहुत सारा मतलब मेरी माँ हमको लोनावला लेके जाती थी, तो जैसे ये बच्चों को भी बाहर घुमाया जाता है या जो भी है, तो हम भी जाके यू नो पूरे लोनावला में घूमते थे। हमारे भी गर्ल की गैंग होती थी, लड़कियों की गैंग थी, लेकिन वी वर नॉट गर्ल स्काउट्स। नो हाय काजोल, मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने बच्चों को ये आदतें कैसे बचपन से सिखाती आई हैं? थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से, लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को, हमारे बच्चों को अब कुछ भी सिखाना हो तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है ये एक सवाल तो हर बच्चा पूछता है, मम्मा वाई वाई, वो मतलब सबसे यू नो कॉमन सवाल है। तो आई थिंक अगर हम अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकें इस एक बात के बारे में, जितना उनको समझा सकें कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो ज़्यादा खेल सकें, ताकि वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा वक्त मिले सब चीज़ें करने का जो उनको पसंद है, सब खाने का जो उनको पसंद है। अगर आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है या जो भी खाना है, आप ये सब नहीं खा सकते अगर आपको जुकाम है या आपका पेट ख़राब है। तो आई थिंक वो सब चीज़ें अगर हम उनको समझाएं और बार बार समझाएं, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में रह जाएगी और होपफुली ये आदत रह जाएगी, और ये आदत बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे। डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? यस सर। काजल जी नमस्कार, सुनील दैनिक भास्कर से। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाते रहते हैं और कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं और बच्चे हमें पकड़ लेते हैं। वो तो वो कई ऐसा मौका आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फिर मैं सॉरी बोल के सेम मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी करके जो भी मैंने गलती की है मान लेती हूँ कि अपनी गलती है, और यू नो अपनी गलती सुधार देती हूँ होपफुली।
और अजय जी किस तरह से मतलब गलती करते नहीं है, परफेक्ट है वो साफ सफाई और सादगी पर किस तरह से काम करते हैं वो। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत बहुत ज्यादा अपनी साफ सफाई मतलब ओसीडी है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ही इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। अच्छा, उनके बारे में सुना कि वो अच्छे कुक भी हैं, अच्छा पकाते हैं खाना, कुकिंग भी कर जानते हैं वो, तो कभी आपने किचन में जाके देखा कि वो जब काम करते हैं तो किस तरह से साफ सफाई? क्वेश्चन कि कुक से बनाते हैं और बोलते कि उन्होंने खाना बना लिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ हाथ धो के ही बनाते हैं। Yeah. All right, so we'll give somebody else a chance as well. Yeah. तो सुना ना आपने, काजोल ने अपने बच्चों को लेकर, अपने बचपन को लेकर, चाइल्डिश होने को लेकर, साथ में सॉरी बोलने को लेकर, अजय देवगन की तारीफ करने तक और बच्चों को लेकर माँ बाप को सलाह देने तक, हर बात में काजोल ने कैसे सबका दिल जीता और खोला घर का राज। मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने बच्चों को ये आदतें कैसे बच्चों से सिखाती आई हैं? थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से, लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को, हमारे बच्चों को अब कुछ भी सिखाना हो तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है ये एक सवाल तो हर बच्चा पूछता है, मम्मा वाई वाई, वो मतलब सबसे यू नो कॉमन सवाल है। तो आई थिंक अगर हम अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकें इस एक बात के बारे में, जितना उनको समझा सके कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो ज़्यादा खेल सकें, ताकि वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा वक्त मिले सब चीज़ें करने का जो उनको पसंद है, सब खाने का जो उनको पसंद है, अगर आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है या जो भी खाना है, आप ये सब नहीं खा सकते अगर आपको ज़ुकाम है या आपका पेट ख़राब है, तो आई थिंक वो सब चीज़ें अगर हम उनको समझाएं और बार बार समझाएं तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में रह जाएगी और होपफुली आदत रह जाएगी और ये आदत बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे। Do we have another question? Yes, sir. काजल जी नमस्कार, सुनील दैनिक भास्कर से। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाते रहते हैं और कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं और बच्चे हमें पकड़ लेते हैं, वो तो वो कई ऐसा मौका आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फिर मैं सॉरी बोल के सेम मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी करके जो भी मैंने गलती की है मान लेती हूँ कि अपनी गलती है और यू नो अपनी गलती सुधार देती हूँ होपफुली। और अजय जी किस तरह से मतलब गलती करते नहीं है, परफेक्ट है वो साफ सफाई और सादगी पर किस तरह से काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत बहुत ज्यादा अपनी साफ सफाई मतलब ओसीडी है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ही इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। अच्छा, उनके बारे में सुना कि वो अच्छे कुक भी हैं, अच्छा पकाते हैं खाना, कुकिंग भी कर जानते हैं वो, तो कभी आपने किचन में जाके देखा कि वो जब काम करते हैं तो किस तरह से साफ सफाई? क्वेश्चन कि कुक से बनाते हैं और बोलते कि उन्होंने खाना बना लिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ हाथ धो के ही बनाते हैं। Yeah. All right, so we'll give somebody else a chance as well. Yeah. हेलो काजोल, जब हमारे काजोल के बारे में हमने बात की, दोस्तों काजोल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा अपने घर परिवार के बारे में खुलकर अपने एक्सपीरियंस साझा किए हैं, यही वजह है कि आज उनके बारे में हमने जाना और उनके बच्चों के बीच उनकी जो बॉन्डिंग है इसके बारे में भी जानकारी हमने आपको दी। तो अब दीजिए इजाजत, लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड की अनजानी अनदेखे किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।